दावत के मामले में हर कोई कॉन्शियस होता है कि हम लोग कुछ ऐसा ट्राई करें जो हमारे गेस्ट को बहुत अच्छा लगे, लेकिन इसके साथ साथ कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि हमें मेन्यू में क्या रखना है। तो आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ दावत से रिलेटेड कुछ ऐसा मेन्यू और कुछ ऐसी रेसिपीज जो आपकी दावत को चार चांद लगा देंगे। तो चलिए चलते हैं किचन की तरफ और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मीठा, और मीठे में बना रही हूँ मैं मैंगो डिलाइट। और इसके लिए सबसे पहले हमने वनीला केक रेडी करना है, जिसके लिए मैंने चार अंडे ले लिए हैं और उसमें हाफ कप पाउडर शुगर डाल के उसको बहुत अच्छे से बीट कर लिया है। वनीला केक की एक रेसिपी ऑलरेडी मैंने शेयर की हुई है, अगर आपने मेरी ये वीडियो देखी हुई तो आप उसको स्किप कर लें, फ्रॉस्टिंग तक की वीडियो को स्किप कर लें, अगर नहीं देखी तो आप वनीला केक की ये वीडियो देख लें। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून मिल्क और 2 टेबलस्पून ऑयल। मिल्क और ऑयल डालने के बाद हम फिर से उसको कर लेंगे बीट। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 कप मैदा, जो कि हम ग्रेजुअली ऐड करेंगे, थोड़ा सा डालेंगे उसके बाद इसको बीट करते जाएंगे। अच्छा, ये केक जो है वो मैं अवन में बना रही हूँ, अगर आपके पास अवन है तो आप उसी में बेक करें, अगर नहीं है तो पतीला में बेक करें। पतीला में कैसे बेक करना है और किस तरह से आप पतीला में एक अच्छा परफेक्ट केक बना सकते हैं, इसकी रेसिपी मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने मैदा डाल दिया और मैदा डालने के बाद उसको अच्छे से बीट कर दिया है। मैदे को बीट करने के बाद एंड में हम डाल देंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून सिरका, और वनीला एसेंस भी हमने इसमें ऐड करना है, और उसके बाद इसको फिर से अच्छे से मिक्स कर लेना है। बैटर जो है वो हमारे पास रेडी हो गया, अब मैं इसको केक मोल्ड में डाल देती हूँ। अब मैं इसको ओवन में रख देती हूँ तकरीबन 30-35 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पे। ओके जी, केक हमारा बेक हो चुका है, बहुत अच्छा, बहुत सॉफ्ट बेक हुआ है। अब मैं इसका बटर पेपर हटा दूंगी। बटर पेपर हटा दिया मैंने, अब मैं उस बर्तन में रख रही हूँ जिसमें मैंने मैंगो डिलाइट रेडी करनी है। अच्छा, बर्तन थोड़ा मुझे छोटा पड़ रहा था तो इसलिए मैंने साइड से कटिंग कर लिया, नाश्ता मैंने नहीं किया हुआ था तो बस मैंने ये लाइट सा नाश्ता कर लिया, और इस केक उठा के मैंने इस बर्तन में रख दिया है। अब दूसरी साइड पे मैंने एक बड़े साइज का मैंगो लिया है और उसमें 1/2 कप कंडेंस मिल्क डाला है और उसको अच्छे से ब्लेंडर जार में मैंने बीट कर लिया है, और यहाँ पे 1 कप जो है मैंने व्हिपिंग क्रीम लिया और उसको भी अच्छे से बीट करने के बाद मैंगो वाला मिक्सचर इसमें डाला है और फिर से बीट किया है। यहाँ पे वैसे अगर आप मैंगो डिलाइट बना रहे हैं तो 1 कप जो है व्हिपिंग क्रीम इनफ हो गई, बट यहाँ पे थोड़ी मैंने ज्यादा ली है, 2 कप ली है, क्योंकि नाय और सुभान के से मामा मैंगो आइसक्रीम खानी है, तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं इसको फ्रीज कर लूंगी मैंगो आइसक्रीम के लिए और बाकी की मैं फ्रॉस्टिंग कर लूंगी, लेकिन आपकी मैंगो डिलाइट के लिए 1 कप व्हिपिंग क्रीम इनफ रहेगी। अब यहाँ पे मैंने मिक्स फ्रूट 10 ले लिया, ये फ्रीज हुआ हुआ था, सिरप होता है, ये मैं इसके ऊपर लगा दूंगी और पूरे स्पंज को सोक कर लूंगी। जब ये ड्राई हो जाएगा तो इसके ऊपर हमने जो मैंगो आइसक्रीम कह लें, व्हिपिंग क्रीम जो है वो इसके ऊपर लगा देंगे और सारे के सारे केक को इसके साथ कवर कर लेंगे। अच्छा, ये जो डिलाइट है ये मॉर्निंग में मैंने 8 के करीब बनाई है, क्योंकि ये ठंडा होने में टाइम लेगी। हमें जो इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम लगाई है, इसका जो टेक्सचर है ये बिल्कुल हमें आइसक्रीम वाला चाहिए, इसलिए इसको ठंडा होने में तकरीबन 6 से 7 घंटे लगते हैं। तो आपने इसको फ्रीजर में रख देना है और अच्छे से फ्रीज कर लेना है, तो जब ये जम जाएगी इसके ऊपर क्रीम अच्छे से, जैसे आइसक्रीम जमती है वैसे हो जाएगी, तो इसकी कटिंग बहुत अच्छी होगी, स्क्वायर शेप में कटिंग करके आप इसको सर्व करेंगे। अच्छा जी, सारा जो केक है उसको मैंने मैंगो आइसक्रीम के साथ कवर कर लिया है और उसके ऊपर मैंने थोड़े से मैंगो के स्लाइसेस काट के रख दिए हैं। अच्छा, इस साइड जो क्रीम है वो जो बच गई थी उसको मैंने यहाँ पे एक बर्तन में डाल दिया है और उसको मैं कवर करके फ्रिज में रख दूंगी, ये रात में बच्चों के काम आएगी क्योंकि वो काफी दिनों से मांग रहे हैं। तो यहाँ पे अकेले यानी आपको 2 रेसिपीज मिल गई है, एक तो मैंगो डिलाइट की रेसिपी और मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी। आप इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए मैंगो आइसक्रीम भी बना सकते हैं, तो इसको मैं अब रख दूंगी फ्रिज में।
अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ कोरमा की, और उसके लिए मैंने ऑयल में 2 मीडियम साइज़ के अनियन को काट के डाल दिया है, और इसको अब हम भून लेंगे, इतना भून लेंगे कि ये जो अनियन है बिल्कुल ब्राउन हो जाएंगे। अनियन जब ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसको ऑयल में से सेपरेट कर लेंगे और किचन टॉवल पे इसको डाल के साइड पे कर लें। और अब यहाँ पर मैंने 2 kg लिया है चिकन, इसमें हम मसाले डालेंगे और उसको मैरिनेट होने के लिए रखेंगे। मसालों की जो लिस्ट है वो मैंने साइड पे लगा दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। वैसे भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या डाला। स्पाइसेस उसमें मैंने लिया है सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1/2 teaspoon जीरा पाउडर, 1/4 teaspoon ब्लैक पेपर, 1/2 teaspoon धनिया पाउडर, 1 tablespoon रेड चिली पाउडर, 1/2 teaspoon कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 teaspoon गरम मसाला पाउडर, 1 tablespoon इसमें डालेंगे सिरका, 1 cup जो है डलेगा इसमें ऑयल का, और जिस ऑयल में हमने अनियंस ब्राउन किए थे उसी ऑयल को हम चिकन में डाल देंगे। इसके बाद हम डालेंगे 1 cup दही, और जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो मैं डालना भूल गई थी स्टार्ट में, वो आपने स्टार्ट में डालना है, यहाँ पर मैं एंड में डाल रही हूँ। 1 tablespoon अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसको कवर करेंगे और 1 से 2 घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं। ओके जी, चिकन को मैंने मैरिनेट होने के लिए रख दिया है। अब यहाँ पे जो हमने अनियन ब्राउन किया था वो, और उसमें कुछ काजू ऐड करके उसको ग्राइंड कर लेंगे। और दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई ली और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है। ऑयल आप कम डालें क्योंकि ऑलरेडी चिकन मैरिनेशन में भी काफी ज्यादा सारा ऑयल पड़ा हुआ है, तो आप इसमें कम डाल सकते हैं। अब हम इसमें खड़े मसाले ऐड कर देंगे। खड़े मसाले आपने देखा, एक बादियान का फूल है, 2 बड़ी इलायची है, 2 सफेद इलायची, 1 teaspoon जीरा और एक जो है वो क्यूमिन स्टिक है। और उसके बाद जो है हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे, और हमने इसके साथ और कुछ भी नहीं करना, कवर करके इसकी भुनाई करनी है। इसको कवर कर लें, थोड़ी थोड़ी देर बाद चमचा चला दें, बस थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने इसको चेक करना है, कवर कर लेना है और चिकन को अच्छे से पका लेना है। दही का अपना पानी काफी ज्यादा सारा होता है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं है। जो मैरिनेशन में हमने चीजें ऐड की थी उसी में चिकन जो है वो अच्छे से गल जाएगा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आलू बुखारे, तकरीबन 3 से 4 अदद, इट्स ऑप्शनल, इससे वैसे टेस्ट बहुत अच्छा होता है, आप इसको डाल दें और इसको फिर से मिक्स कर लें। अब इसके बाद जो है मैं इसमें डाल रही हूँ ग्राइंड की हुई अनियन और काजू, इसका जो मिक्सचर था वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको फिर से हम भून लेंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। अगर तो आपको ऑयल ज्यादा लग रहा है तो भुनाई करने के बाद आप ऑयल को सेपरेट कर दें। वैसे अगर ऑयल ज्यादा डाल रहे हैं तो उसमें भुनाई अच्छी होती है, और कुछ लोगों को ऑयल पसंद नहीं होता तो एंड में आप ऑयल को सेपरेट कर दिया करें। और कुछ हरी मिर्चें डालेंगे और कोरमा हमारे पास हो जाएगा रेडी। अच्छा, ये जो रेसिपी है ये मैं आपसे सीक्वेंस में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि पहले चिकन मैंने मैरिनेट किया था, फिर मैंने पास्ता के लिए व्हाइट सॉस बनाया था, फिर ये, फिर वो, इस तरह से आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैंने सारी जो रेसिपीज हैं उनको सीक्वेंस में आपके साथ शेयर किया है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अब यहाँ पे मैं तैयारी करी हूँ व्हाइट सॉस पास्ता की, जिसके लिए मैंने तकरीबन 3 अदर टमाटर लिए हैं और उनको पानी में डाल के 1 मिनट के लिए बॉयल दे दिया, और उनका अब हम छिलका उतार के उनको ग्राइंड कर लेंगे। ओके जी, अब जो पास्ता में चिकन हम डालेंगे मैं उसको मैरिनेट कर रही हूँ, उसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है और उसमें मैंने डाला है 1 tablespoon सिरका, और फिर डाल देंगे 1/2 teaspoon जिंजर गार्लिक पेस्ट। इंग्रेडिएंट्स की सारी लिस्ट साइड पे लगा दी, आप वहां से स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद इसमें मैं डालूंगी 1/2 teaspoon रेड चिली पाउडर, 1/4 teaspoon ब्लैक पेपर, 1/4 teaspoon कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 teaspoon धनिया पाउडर, 1/4 teaspoon जीरा पाउडर,
और एक लेमन हम इसमें स्क्वीज कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें चिकन डालेंगे जिसके मैंने इस तरह से बड़े बड़े स्लाइसेस कर लिए हैं, और इसको हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आधे घंटे के लिए हम इसको मैरिनेट होने देंगे। ओके जी, अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ रेड सॉस। ये जो मैं पास्ता बना रही हूँ इसमें हम दो सॉसेस डालेंगे, एक रेड सॉस और एक व्हाइट सॉस। अच्छा, जब भी आप पास्ता बनाएं कोशिश करें आप पास्ता में सिर्फ और सिर्फ बटर ही यूज करें, बट मेरे पास कम था ना तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल भी ऐड किया था। यहाँ पे मैंने लिया बटर, और बटर में मैंने डाला है 1/2 टीस्पून चॉप किया हुआ लहसुन, और इसको हम हल्का सा कलर दे देंगे। इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी एक मीडियम साइज की चॉप की हुई प्याज, और उसको हमने कर लेना है ब्राउन। प्रीवियस व्लॉग में जो हमने पास्ता ऑनलाइन ऑर्डर किया था उसकी रेसिपीज को लेके काफी एक्साइटमेंट हो रही थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो आज वही वाली रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूं। जब प्याज ब्राउन हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च। एक बड़ी साइज की शिमला मिर्च मैंने ऐड की है। शिमला मिर्च को ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ी देर भूनेंगे, और उसके बाद मसाले ऐड करेंगे। मसाले में सिर्फ 3 चीजें जाएंगी, 1/2 टीस्पून नमक। नमक का आपने पास्ता में बहुत ध्यान रखना है क्योंकि रेड सॉस में भी जाएगा, व्हाइट सॉस में भी जाएगा, चिकन मैरिनेशन में भी होता है। नमक जो है हम अकॉर्डिंग टू टेस्ट में डालेंगे। 1/4 टीस्पून जो है इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे, और 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद हम इसमें टोमेटो का मिक्सचर डालेंगे जो कि हमने ग्राइंड करके सेपरेट रखा था, और उसको भी अच्छे से कुक करेंगे। टमाटर जो है वो जब अच्छे से गल जाएंगे तो उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून आप इसमें डाल दें केचप की, और फिर से इसको अच्छे से कुक कर लें। और ये पास्ता के लिए रेड सॉस हमारे पास हो गई है रेडी। आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बस इतना सा ही हमें रेड सॉस के लिए मिक्सचर चाहिए। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ व्हाइट सॉस, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया बटर, और बटर में मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून चॉप की हुई लहसुन, और इसको भी हमने कर लेना है ब्राउन। लहसुन के बाद हम इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून मैदा, और उसको हमने थोड़ी देर के लिए भून लेना है। मैदे की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए दूध डालने से पहले। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 लीटर दूध। मैंने 1/2 लीटर दूध के लिए 2 टेबलस्पून मैदा लिया, ये आपने ध्यान में रखना है। और इसको दूध बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, इससे लम्स नहीं पड़ेंगे। जैसे जैसे आप दूध डालते जाएंगे इसको साथ साथ विस्क करते जाना है, और इसको हमने हल्का सा थिक कर लेना है। मेरे ख्याल में जो हम पास्ता बनाते हैं पास्ता में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है व्हाइट सॉस की कंसिस्टेंसी। आपने सॉस की कंसिस्टेंसी पे बहुत ध्यान रखना है। कोई लोग मैदा बहुत ज्यादा मैदा ऐड कर देते हैं तो वो काफी ज्यादा थिक हो जाती है, तो वो वाली लुक नहीं आती है, वो वाला टेस्ट नहीं आता है। तो आपने जो व्हाइट सॉस की कंसिस्टेंसी है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा थिक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1/2 कप चीज, और चीज को भी हमने अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये मेल्ट हो जाए। फिर हम ऐड कर देंगे नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और 1/4 टीस्पून इसमें मैंने डाली है काली मिर्च, और फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देख सकते हैं व्हाइट सॉस की कंसिस्टेंसी कितनी है। बस आपने सेम एज इट इज इतनी ही रखनी है, बहुत ज्यादा थिक नहीं करनी है, बहुत पतली नहीं करनी है। जब आप इसमें दूध डालेंगे तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि ये तो थिक ही नहीं हो रहा या ये बहुत ज्यादा थिक हो गया। आपने इसको चमचा चलाते जाना है और ये आपके पास इस तरह से थिक होके आ जाएगी। ओके, इसको चेक आपने किस तरह से करना है कि ये रेडी हो गया कि नहीं, आपने मिड में से लाइन लगानी है। जबकि दोनों साइड्स आपस में मिलेंगी नहीं तो इसका मतलब है आपका जो व्हाइट सॉस है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब यहाँ पे जो रेड सॉस थी उसमें मैंने व्हाइट सॉस ऐड कर दिए, लेकिन इसमें मैं ग्रेजुअली ऐड करूंगी। थोड़ी सी मैं सॉस इसमें डाल रही हूँ व्हाइट सॉस, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे।
और उसके बाद मिक्स करने के बाद फिर से व्हाइट सॉस डालेंगे और फिर से मिक्स करेंगे। और पास्ता के लिए सॉस हो गया हमारी रेडी। वैसे रेड सॉस पास्ता होता है, एक व्हाइट सॉस पास्ता होता है, दोनों का टेस्ट बहुत यमी होता है, लेकिन जब रेड सॉस और व्हाइट सॉस दोनों आपस में मिलते हैं तो सोचें वो कितना अच्छा फ्लेवर क्रिएट करते हैं, कितना अच्छा टेस्ट होगा उसका। अब हम इसमें डाल देंगे एक पैकेट जो है बॉईल किया हुआ पास्ता। पास्ता आपने कैसे बॉईल करना है वो पैकेट पे लिखा होता है, आप वहां से देख के उसको बॉईल कर लें और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ओवर कुक नहीं करना है आपने, बस अच्छे से मिक्स करना है। और इस पॉइंट पे जो है ना आपने ध्यान रखना है कि पास्ता जो है वो बहुत ज्यादा थिक ना हो जाए। यहाँ पे आप कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर तो आपको पास्ता जो है वो ज्यादा क्रीमी चाहिए तो आप इसको इस तरह से रहने दें, लेकिन थोड़ा अगर आपको ड्राई चाहिए तो आप इसको ड्राई कर दें, लेकिन बहुत ज्यादा ड्राई ना करें, वो काफी ज्यादा थिक हो जाता है और ज्यादा अच्छा फिर उसका टेस्ट नहीं रहता, बट नॉर्मल कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैंने ले लिया चिकन और इसको मैं रख देती हूँ ओवन में। अगर आपको चिकन बनाना है तवा पे या फिर फ्राइंग पैन में तो आप वहां पे भी फ्राई कर सकते। मैं इसको ओवन में रख रही हूँ। अब यहाँ पे मैं रेडी कर रही हूँ सॉस जो कि हमने चिकन के ऊपर अप्लाई करना है, और इसके लिए मैंने लिया है 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली जो कि अपनी आखिरी सांस ले रही है, तकरीबन खत्म होने वाली है। और 1 टेबल स्पून जो है हम इसमें डालेंगे सिरका, 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून चिली सॉस, 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और एंड में हम डाल देंगे 3 टेबल स्पून केचप। टेस्ट के साथ साथ सॉस की थिकनेस भी होगी केचप के साथ। और इसको हमने अच्छे से कर लेना है मिक्स। चिकन को आपने जो है अगर आप तवा पे कर रहे हैं तो दूर दूर करके उसको कुक कर लें, अगर तो आप ओवन में कर रहे हैं तो एक साइड से जब वो पक जाएगा तो उसको पलट दें और उसके ऊपर इस सॉस को ब्रश के साथ अप्लाई कर लें। अब चिकन जो है वो एक साइड से पक चुका था, जो सॉस हमने रेडी की थी चिकन के लिए वो लगा देंगे और फिर से इसको ओवन में बेक होने के लिए रख देंगे। अच्छा, यहाँ पे जो चिकन है उसके मैंने इस तरह से छोटे छोटे स्लाइसेस कर दिए थे। अगर तो आप चाहते हैं तो आप फुल पीसेस भी पास्ता के ऊपर रख सकते हैं, लेकिन गेस्ट ज़्यादा हैं, मुझे नहीं लगता कि एक एक को सबको स्लाइस आएगा, तो इसलिए मैंने छोटे छोटे इसके स्लाइसेस करके पास्ता के ऊपर डाल दिया है। अच्छा, पास्ता के लिए एक टिप दूँ कि पास्ता मोस्टली जब हम बनाते हैं तो उसको एज इट इज़ हम लोग कढ़ाई में रख देते हैं, तो जब हमें सर्व करना होता है तो वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, ठंडा होता है, फिर हमें उसमें दूध डाल के उसको मिक्स करना पड़ता है और गर्म करना पड़ता है, इससे पास्ता ओवर कुक हो जाता है, पास्ता के जो सॉसेज हैं उनकी कंसिस्टेंसी भी खराब हो जाती है। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करूंगी जब भी आप पास्ता बनाएं उसको फौरन से हॉट पॉट में रख दें ताकि पास्ता गर्म रहे और आप सर्व कर सकें, या फिर नियरली सर्विंग आप पास्ता को तैयार करें ताकि गर्मा गर्म उसको सर्व कर सकें। ठंडा पास्ता जो होता है वो यहीं पे हम लोग मार खा जाते हैं कि ठंडा पास्ता जो होता है उसमें हम दूध डालते जाते हैं और उसको कुक करते जाते हैं तो उसकी लुक ही खराब हो जाती है, इसलिए आप उसको पहले से किसी ऐसे बर्तन में रख दें जहां पे वो गर्म रहे या फिर सर्विंग से पहले आप उस पास्ता को कुक कर लें। और ये यमी सा जबरदस्त सा पास्ता रेडी हो गया, एंड बिलीव मी इतना अच्छा इसका टेस्ट है, इतना अच्छा कि मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने इतना कम क्यों बनाया, मुझे ज़्यादा बनाना चाहिए था, बहुत यम्मी बहुत अच्छा बना था। और ये तकरीबन मैंने 2.5 के करीब जो है टेबल लगा दी और जो है सारे खाने में इसको सर्व कर लिया। अच्छा, बिरयानी भी मैंने बनाई थी, बट बिरयानी की रेसिपी मैंने ऑलरेडी जो है आप लोगों के साथ यूट्यूब पे शेयर की हुई है, अगर वहाँ पे भी मैं इस व्लॉग में भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती और आप लोग बोर हो जाते और मेरे लिए भी एडिटिंग में मसला होता, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ कुछ ऐसी रेसिपीज शेयर की हैं जो मैंने पहले नहीं शेयर की हुई थी, और बाकी की चीज़ें भी मैंने रख दी, टेबल मैंने लगा दी, गेस्ट ने बहुत इन्जॉय किया, खाना बहुत अच्छा बना था। और एंड में जो है ना मैं वीडियो नहीं बना सकी मैंगो डिलाइट की, उसकी कटिंग स्क्वायर शेप में हमने की थी और सबने एक एक जो है स्लाइस उठाकर अपनी प्लेट में रखा था और बहुत ही अच्छा, बहुत जमी था, और उसके लिए भी मुझे अफसोस हुआ था कि मुझे ज़्यादा बनाना चाहिए था, बट मुझे ये था कि मैं फर्स्ट टाइम की रेसिपी ट्राई कर रही हूँ, ये ना हो मुझसे ख़राब बन जाए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ही ट्राई करना चाह रही थी कि कैसा बनेगा, बट बहुत जमी, बहुत अच्छा बना। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, इंशाल्लाह मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपना बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।